पाँच साल से जो है कितना इनोवेटिव, कितना यूनिक है अपने आप में। इट्स एक्चुअली वेरी यूनिक क्योंकि मैं कैलेंडर के फर्स्ट ईयर से हूँ, सो इट्स एक्चुअली गिफ्ट टू द इंडस्ट्री बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं। इट्स वेरी नाइस बिकॉज एवरी ईयर यू नो दे एपिटोमाइज टेलीविजन गर्ल्स इन टू एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा रख सकते हैं, जैसे लोग कैलेंडर्स रखते हैं, यू नो एवरी ईयर एवरी मंथ देयर इज अ न्यू गर्ल। इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक इट्स मच नीडेड बिकॉज यू नो बॉलीवुड हैज इट, एवरीबडी हैज इट, एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड वी शुड रियली बी थैंकिंग मैनेजिंग फॉर इट। दुख की बात है कि मेल सेलिब्रिटीज फीचर नहीं हो रही पाँच साल में एक बार दफा भी, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? मेल सेलिब्रिटीज फीचर नहीं होते इसमें। बदलाव ये है कि जब हमने कैलेंडर शुरू किया था तो हमने एक स्टूडियो से शुरू किया था विच वॉज मे बी नॉट इवन हाफ ऑफ द साइज ऑफ दिस प्लेस, एंड फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम द स्टूडियो सेकेंड ईयर वॉज गोवा, थर्ड ईयर वॉज डायरेक्टली मलेशिया, फोर्थ ईयर वॉज जॉर्डन, फिफ्थ ईयर ताइवान। सो यू नो किसी चीज़ को आप उसके प्रोग्रेस से ही जज करते हैं, सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, और सिर्फ ये दिखता है कि नॉट जस्ट एस बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। बॉलीवुड इतने बड़े सेलिब्रिटीज है, सलमान है, अमिताभ है, सब टेलीविजन शोज करते हैं, लेकिन टेलीविजन सेलिब्रिटीज हम इंस्पायर करते हैं कि बॉलीवुड में अपनी कदम बनाए, तो आज के दौर में टीवी और बॉलीवुड बराबर है ये मानते हैं? आई थिंक टेलीविजन इज बिगर एज अ मीडियम, और आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ शेयर मार्केट एंड आई नो दैट द शेयर्स ऑफ टेलीविजन डिश टीवी जी एंटरप्राइजेस आर नॉट जस्ट वेरी गुड बट दे आर हाईली सॉट आफ्टर, सब उनको रिकमेंड करते हैं बिकॉज टेलीविजन इज द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। मेल को आगे देखना चाहेंगे 6th एडिशन में 7th एडिशन में मेल जो आर्ट है? मैं लड़कों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, तो प्लीज आप अपनी चिंता खुद करें। लार्जर देन लाइफ बनाया जाएगा 2-3 साल में, तो क्या करना चाहिए बेसिकली? सजेशन क्या आपकी तरफ से? आई थिंक अगर इसे लार्जर देन लाइफ बनाया जाए तो यू नो एवरी गर्ल शुड हैव अ ओन थीम एंड एवरी गर्ल शुड बी शॉट इन अ डिफरेंट कंट्री, देन आई थिंक इट विल बी रियली ग्रैंड। थैंक यू थीम है ये कि एज एन लड़कियों को लेके, बिकॉज जो टीवी लॉबी है मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सक्सेस जो है वो लड़कियों को मिलती है, और लड़कियों को लोग ज़्यादा जानते हैं बिकॉज नाम अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा लगता है एज एन लड़कियों के लिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एज एन जो गर्ल्स एज एन कैलेंडर लॉन्च आती है उनकी फोटोज़ आती हैं, और जब एज एन कंपनीज में जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फोटोशूट होता है इवन, और जो अलग अलग सिटीज़ में होता है अलग अलग कंट्रीज़ में होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। नादिम से जुड़ा है इसमें क्या है, पर यही एक अच्छी टीम है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस यही चाहूँगा कि अगर हाँ लड़कियों के साथ साथ अगर एक और अच्छा काम है कि इनको ऐप थोड़ा सा लड़कों को लेके आते करंट लॉन्च करना चाहिए ताकि अच्छी बॉडी काम है। अच्छा क्या बदलाव एडिशन में कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप? बस यही चाहूँगा कि इस बार दिवाली पे लोग जो पटाखे जलाएं और थोड़ा सा सोच समझ के दिवाली मनाएं, फैमिली के साथ मनाएं, अच्छे से मनाएं, और अगर बम पटाखे बजाने हैं तो घर से बाहर जाकर ग्राउंड में जाकर अच्छी फैमिली अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ मिलजुल के बनाएं, घर में पटाखे ना जलाएं, थोड़ा सा केयर करें, और जो एज एन डॉगीज होते हैं जानवर रखे होते हैं या कुछ कोई भी एज एन रखा होता है तो उसको थोड़ा सा बजाने बिकॉज वो बहुत डर जाते हैं सहम जाते हैं, तो देखा है मैंने, तो बस यही है थोड़ा सा केयर से करें, दिवाली है मिलजुल के मनाएं, खुशी से मनाएं।